नाउ 21 नंबर क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सी ए सी ओ थ्री सॉलिड है, कन्वर्ट हो रहा है सी ए ओ प्लस सी ओ टू में, इफ एट 0 केल्विन डेल्टा एस फॉर दिस रिएक्शन इज एक्स, देन एंट्रोपी ऑफ सी ओ टू एट 0 केल्विन। तो हम एंट्रोपी किसी भी रिएक्शन है, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन क्या लिखते हैं, सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समिशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट एंट्रोपी, देखो सॉलिड की एंट्रोपी क्या होती है एट 0 केल्विन पे 0, और गैस की हमें फाइंड आउट करनी है, तो एंट्रोपी ऑफ सी ओ टू, बाकी सबकी सॉलिड की क्या हो जाती है 1, तो यानी कि उसकी क्या हो जाएगी 0, यानी कि सॉलिड की जो एंट्रोपी होगी एस इगोज टू वो भी 0, किस पे एट 0 केल्विन पे, तो इसकी भी 0 हो जाएगी क्योंकि ये सॉलिड है। तो यानी कि जो डेल्टा एस आर एस आया होगा वो किसके आया होगा, एंट्रोपी ऑफ सी ओ टू। तो डेल एस कितना वैल्यू है, एक्स किलो कैलोरी एक्स कैलोरी पर मोल, ठीक है, तो ये आएगा एंट्रोपी ऑफ सी ओ टू। यानी कि क्वेश्चन ने क्या पूछा, एंट्रोपी ऑफ सी ओ टू एट 0 केल्विन, तो क्या आना चाहिए एक्स केल्विन, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट।